हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल नाहटा सो अ गुड बिगिनिंग हैज बीन मेड फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2014 सेकंड क्वार्टर की पहली फिल्म मैं तेरा हीरो ने अच्छा बिजनेस किया है वीकेंड में एक्चुअली इस फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को बहुत अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ट्रेड में थोड़ा टेंशन हो गया था लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म नहीं चलेगी बट ऑफकोर्स द रिपोर्ट्स वर एनकरेजिंग और इसलिए जैसे दिन प्रोग्रेस होता गया कलेक्शन बढ़ते गए एंड एट द एंड ऑफ फ्राइडे द प्रोड्यूसर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द फिल्म मैनेज टोटल ऑफ नेट ऑल इंडिया टोटल ऑफ फाइव करोड़ एंड सेवेंटी फाइव लैख तो ये पौने छ करोड़ का टोटल अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये फिल्म वरुण धवन की फिल्म है इसमें कोई सलमान खान शाहरुख खान या आमिर खान तो है नहीं एंड वरुण धवन की ये सेकेंड फिल्म ही है और एक बात आपको बता दें फ्राइडे को जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच उससे जो इवनिंग और नाइट शोज हैं उनके कलेक्शंस डेफिनेटली अफेक्ट हुए नहीं तो अगर ये मैच नहीं होता तो शायद पहले दिन का टोटल पौने सात करोड़ भी हो सकता था सैटरडे को कलेक्शन हुआ करोड़ का, संडे को भी कलेक्शन उसी लेवल पर स्टडी रहे द संडे टोटल वॉज इन द रीजन ऑफ सेवन पॉइंट सेवन फाइव करोर अगेन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि संडे को टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और उसके बावजूद अगर सात करोड़ पिचहत्तर लाख का टोटल हुआ दैट्स नॉट अ बैड टोटल एट ऑल और इस तरह वीकेंड का टोटल हुआ नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ मैं तेरा हीरो का 21 करोड़ का सोलो फिल्म वरुण धवन की ये है और उसका अगर टोटल वीकेंड टोटल 21 करोड़ का होता है ऑफ कोर्स इट्स क्रेडिटेबल वैसे इस फिल्म के बनने में प्रमोट होने में रिलीज होने में करीब 38 करोड़ रुपए लग गए थे द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फिल्म वाज 38 करोड़ ऑफ विच बीस करोड़ प्रोड्यूसर्स को मिल गए फ्रॉम सेल ऑफ सैटेलाइट राइट जी हां आपने बिल्कुल ठीक सुना और ओवरसीज राइट म्यूजिक राइट होम वीडियो राइट एंड अदर एंसिलरी राइट बेचकर प्रोड्यूसर्स ने करीब सात आठ करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लिए यानी इंडिया थिएट्रिकल राइट से सिर्फ करीब बारह तेरह करोड़ आने बाकी थे एंड अगर वीकेंड में ही 21 करोड़ का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से इस फिल्म की प्रॉफिट शुरू हो गई है बिकॉज ट्वेंटी वन करोर वीकेंड मीन शेयर ऑफ एटलीस्ट इलेवन करोड़ कंफर्टेबल प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज इज मै तेरा हीरो जहां तक पिछले फ्राइडे की दूसरी रिलीज का सवाल है जल वेल well, उस फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम मिला हाई जेंट्री ऑडियंस उन्हें यह फिल्म पसंद आई बट The collections just didn't add up to respectable figures. Collections बहुत ही कमजोर रहे this film really won't be able to make too much at the box office. तो ये तो हुआ हमारा weekend business analysis. आइए अब बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाघरों में इन दो फिल्मों का परफॉर्मेंस weekend में कैसा रहा तो सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर प्रेम लखानी जो हमें बताएंगे कि राजहंस ग्रुप ऑफ सिनेमाज में दोनों फिल्मों का परफॉर्मेंस वीकेंड में कैसा रहा प्रेम जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग टू यू कोमल नहाटा बोल रहा हूँ वेरी गुड इवनिंग टू यू टू कोमल जी प्रेम जी मुझे ये बताइए मैं तेरा हीरो का परफॉर्मेंस आपके चेन ऑफ सिनेमाज में कैसा रहा वीकेंड में आ, बहुत अच्छा रहा हाँ संडेटी परसेंट प्लस था एज कम्पेयर टू फ्राइडे लग अच्छा। अच्छा। रहा था कि मतलब 80 का जंप हुआ फ्राइडे के अच्छा गर... अच्छा मतलब फ्राइडे की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन संडे थोड़ा डाउटफुल हो रहा था बिकॉज ऑफ द मैच जो रहा अदरवाइज इट तो अगर मैं पूरे चेन की बात करूं तो सैटरडे संडे के कलेक्शन के फिगर्स क्या रहे ऑन एन एवरेज ये बताऊं साढ़े छह लाख के आसपास हमारा फ्राइडे था छह साढ़े छह करेक्ट सैटरडे को ये पहुंचा 850 पे करेक्ट और संडे इट वाज ऑलमोस्ट वाओ दैट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग यस यस और जल का परफॉर्मेंस कैसा रहा नहीं वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा उसका बहुत कम शो परफॉर्म हो पाए उसके अच्छा शोज कैंसिल हुए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑडियंस यस 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 और आज मैं तेरा हीरो के, के कलेक्शंस कैसे हैं ठीक एज कम्पेयर टू फर्टीटलीस थे और अब हमारे साथ है मिस्टर मंगलेश ग्लोबस सिनेमा इन मुंबई वहां पर वीकेंड में परफॉर्मेंस फिल्मों का कैसा रहा मंगलेश जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है गुड इवनिंग टू यू कोमल नाहटा बोल रहा हूँ गुड इवनिंग नाहटा जी यू बस वेरी वेल मंगलेश जी मुझे ये बताइए मैं तेरा हीरो और जल दोनों फिल्में आपने चलाई

अच्छा रियो टू की गर्मी है हाँ जी, हाँ जी ओके थैंक थैंक यू, यू, यू okay. तो खत्म हुआ है हालांकि दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में तेरा हीरो की वजह से अच्छी हुई है बट जो पहला क्वार्टर था वो क्वार्टर वो सेव बाय मीडियम बजट फिल्म्स एक्चुअली जो मीडियम बजट फिल्में हैं उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है बट बड़ी फिल्में जो है वो फ्लॉप हो गई है अगर हम मीडियम बजट फिल्मों की बात करते हैं श्रेष्ठ नाम आता है क्वीन का क्वीन स्कोर्ड एंड स्कोर्ड फैबुलसली वेल उसकी शुरुआत दो करोड़ से कम की थी एंड आगे जाके दिस फिल्म फिल्म हैज टच द 60 करोड़ करोड़ मार्क तो जिस फिल्म की शुरुआत पौने दो करोड़ से होती है उस फिल्म का नेट ऑल इंडिया टोटल आगे जाके 60 करोड़ का हो जाता है अ पिकअप सो दैट इज़ द लीडिंग फिल्म ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर दूसरी जो फिल्म है वो भी मीडियम बजट की फिल्म है रागिनी 2. में ही, इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया सेकेंड वीक में कलेक्शंस करीब 75 प्रतिशत गिर गए बट who cares because पहले वीक में ही cost recover हो चुका था, profits भी शुरू हो गए थे। the other small film which worked reasonably well at the box office was hasi to fasi and hasi to fasi did reasonably well it got profits for its makers again another film which worked at the box office was a small film medium budget mein bani yaria us film ka music itna hit ho chuka tha ki us film ki shuruaat bahut hi badhiya thi second or third week mein bhi collections अच्छे रहे और अंत में जाकर यारियां एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोपोजिशन साबित हुआ एक और छोटी फिल्म थी हाईवे आलिया भट्ट और रणदीप हुडा की काम के काम वजह से ये फिल्म को सक्सेस नसीब हुआ ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट अ ह्यूजली सक्सेसफुल फिल्म लेकिन छोटे बजट में मीडियम बजट में यह फिल्म बनी थी और उसके ऊपर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो थोड़ा प्रॉफिट कमाया दैट्स गुड इनफ अगर हम बड़ी फिल्मों की बात करते हैं केवल एक बड़ी फिल्म ने इस क्वार्टर में अच्छा बिजनेस किया और वो थी गुंडे इस फिल्म के दो गाने बहुत चल चुके थे रिलीज से पहले ही जिसकी वजह से इस फिल्म को ओपनिंग बढ़िया नसीब हुई एंड उसके बाद भी कई हफ्तों तक ये चलती रही एट रीजनेबली गुड कलेक्शंस एंड आगे चल के भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया जिसकी वजह से इट ऑलमोस्ट टच द एट्टी करोड़ मार्क जी हाँ सौ करोड़ तक ये नहीं पहुंच पाई बट फॉर द कॉस्ट एट विच इट वॉज मेड इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी फाइव करोड़ का था एंड सैटेलाइट ओवरसीज बिजनेस म्यूजिक इन सब को मिला के इफ ऑल दो फिगर्स वो एडेड टू द इंडिया Share. Well, it was a पर नहीं चल पाई form इन जय हो सलमान खान की जय हो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे ट्रेड में भी पब्लिक में भी बट द फिल्म फेल टू मेक इट्स मार्क एट द बॉक्स ऑफिस हाँ सलमान खान और सोहेल खान जिनका होम प्रोडक्शन था उन्होंने तो बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमाई इस फिल्म में द प्रॉफिट्स फॉर बोथ द ब्रदर्स कुड गॉन टू 90 टू 100 करोड़ ऑफ रुपीस लेकिन एरोस इंटरनेशनल जिसके पास वर्ल्ड वाइड राइट थे एंड जो अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें एरोस इंटरनेशनल ने अलग अलग सर्किट्स के राइट्स बेचे थे उनको भारी नुकसान हुआ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का लॉस तो ऑफकोर्स अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट था जी हाँ बाकी जो फिल्में थी उनमें दो नोट बहुत ही लूजिंग फिल्में थी और वो थी गुलाब गैंग और डेढ़ इश्किया गुलाब गैंग पर पब्लिक की आशाएं काफी टिकी थी बिकॉज फर्स्ट फिल्म इन विच माधुरी दीक्षित एंड जूह चावला है बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली सिमिलरली माधुरी दीक्षित की कम बैक फिल्म जो थी डेढ़ इश्किया वो भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई तो ये दो फिल्मों से डेफिनेटली ट्रेड को एक धक्का सा महसूस हुआ बट दैट वॉज एसफार एज द फर्स्ट क्वार्टर इज कंसर्न जैसा हमने पहले भी बताया सेकेंड क्वार्टर की शुरुआत एटलीस्ट अच्छी हुई है मैं तेरा हीरो के सक्सेस की वजह से बट वन शुडेंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ दिस क्वार्टर क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन रिजल्ट एंड आई पी एल टूर्नामेंट की वजह से बहुत बड़ी फिल्में इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगी एक्चुअली ऑल द बिग रिलीजे वून सिक्स जून को हॉलीडे रिलीज होगी वेन इलेक्शंस, इलेक्शन रिजल्ट्स एंड दी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट वुड हैव बीन डन विद इसलिए इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना व्यर्थ होगा द रियल बिजनेस

फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2014 आइए अब मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से पलक मुछाल इनकी सुरीली आवाज में आपने बहुत से गाने सुन ही लिए हैं अब आने वाले समय में आप इनके छोटे ब्रदर का मधुर संगीत भी सुन सकेंगे पलाश मुछाल द बिगनिंग हैज ऑलरेडी बिन मेड इन ढिशकियाओं जहां पर पलाश मुछाल ने दो गाने कंपोज किए हैं एंड दो टू सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय पलक मुछाल विद मेल सिंगर्स तो आज हमारे स्टूडियो में हैं पलक मुछाल और पलाश मुछाल वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू आपको भी जिस तरह इन्हें म्यूजिक hmm. uh, का शौक था आपको भी बचपन से म्यूजिक हाँ जी हम लोग बचपन से ही एक साथ शो देते हैं चैरिटी शोज भी करते हैं और जब मैं चार साल का था जब से मैं गा रहा हूँ

Uh, मैंने एक्टिंग भी की थी जो आशु, आशु सर की फिल्म आशुतोष जी की खिलियम जान से मैंने उसमें एक्टिंग की थी अच्छा uh, हाँ जी एज अकू यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर था उसमें और उसके उसी उसी फिल्म के प्रीमियर में मैं हरमन बबीजा से मिला हम लोग फ्रेंड्स बन गए जिस वजह से हाँ आप, हाँ जी oh, और फिर हरमन भाई ने मेरे सॉन्ग सुने देन ही लव डेड और फिर वो शिल्पा दी के पास गए शिल्पा शेट्टी शिल्पा शेट्टी के पास एंड उन्हें गाना सुनाया और जब उनको बहुत ज्यादा पसंद आया उनके उसके बाद बताया कि जिसने कंपोज किया वो एटीन ईयर ओल्ड है तो शी वॉज शॉकड एंड इट जस्ट दैट Oh, wow. तो फिर आ, शिल्पा शेट्टी से आपको फोन आया कि हाँ जी शिल्पा शेट्टी और हम लोग वहाँ दुबई में थे मेरा एटीन बर्थ हम लोग सेलिब्रेट शेल, कर रहे थे लास्ट ईयर वहाँ पे फोन आया कि यू हैव टू कट योर हॉलीडे और वापस आना पड़ेगा बिकॉज यू आर गिविंग म्यूजिक इन माई फिल्म कॉल डिश के आऊँ और प्रोड्यूसर है शिल्पा शेट्टी तो बेस्ट गिफ्ट एवर थी गॉड की तरफ से हरमन भैया की तरफ से और जब मैं पलक दी को बताया <laughs> तो स्टार्टेड <बोल> इमोशनल मोमेंट <laughs> क्या बात है तो दो गाने आपने और अरिजीत है और तो ये आपका प्री कंडीशन होता है की मैं जो कम्पोज करूंगा उसमें तो प्लान था ही नहीं ऑन द स्पॉट शिल्पा डी ने बोला की हमको एक फीमेल वॉइस चाहिए और पलक गाना चाहिए ऑन द स्पॉट मिक्का सिंह को जब डब करे थे पलक ने भी गाया और तू ही आशिकोर्स वो रोमांटिक सॉन्ग था तो मैं चाहता था अरिजीत सिंह और पलक मिचाल का जो मैजिक है तुम्हे वाला वो एक बार फिर आए और बहुत ही अच्छा मेरे लिए बहुत स्पेशल बात थी क्योंकि मैंने जितने भी गाने गाए हैं सभी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है सो टाइम आई वॉज मोर ऑफ इमोशनल गाते टाइम क्योंकि मेरा भाई मुझे एज डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था एंड स्टूडियो में बिल्कुल भाई जैसा नहीं बहेव कर रहा बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बिहेव करता है बेस्ट आई लाइक आप तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रही है टचवुड

उसको फॉलो करती हूँ याद दिलाती हूँ कि मुझे कोई अच्छा गाना गाने को मिले एंड टचवुड अभी मुझे पर्सनली प्रोड्यूसर्स के भी कॉल आते हैं कि आप हमारी फिल्में गाइए सो इट फील्स वेरी गुड क्योंकि ऑल द ईयर्स मैं एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी और एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर इन पर्टिकुलर सो अभी जब आगे रह के म्यूज़िक कम्पोजर्स के कॉल आते हैं इतने सारे इतने अलग अलग जॉनर्स के गाने गाने को मिल गए हैं सो so बहुत खुशी होती है बट ये मन में एक उम्मीद रहती है कि जितना प्यार अभी तक के सॉन्ग्स को मिला है आगे भी उतना ही प्यार मिले फैंटास्टिक तो ये

डेट और उनकी बिल्डिंग में भूषण कुमार सर रहते हैं तो उन्होंने उनको सुनाया जो कि टी सीरीज okay. के ओनर है ओके और उनको उनके पास से कॉल आया मुझे कि आ जाओ मेरे को ऑफिस में मीटिंग करनी है तो उन्होंने बोला ये हुक बहुत अच्छा है पार्टी तो बनती है ये मुझे चाहिए और तुम्हारे साथ मेड ब्रदर्स आ, साथ में म्यूजिक देंगे तो मेरे को ठीक है अमिताभ बच्चन जी के ऊपर अगर सॉन्ग आ रहे तो ये तो ड्रीम कम ट्रू है जनरली म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं They very आप तो Correct. ये कैसे हुआ एक्चुअली मीट ब्रदास और अंजन पहले से बोर्ड पे थे फिल्म के और उन्होंने उनको मेरा हुक बहुत पसंद आया पार्टी तो बनती है तो वो उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते थे मेरा भी दिल नहीं तोड़ा जाते थे तो उन्होंने सोचा की ये सॉन्ग साथ में करते और तीम, तीम तो बनती है। है। तो, <laughs> <laughs> तो टीम बहुत, है, बहुत अच्छी, अच्छी अच्छी फिल्म आ रही है तो कितने गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं आप ऑलरेडी थर्टी सॉन्ग्स हो गए रिकॉर्डेड तो कुछ फिल्मों के नाम बताइए अमित शाह की लिस्ट जो की वेदास के ऊपर है देन तेरे आने से जो कि पूरब कोहली की फिल्म है देन आशुसर के साथ मैं काम कर रहा आशुतोष ग्वारीकर जी के साथ जो कि लकीली मैंने एक्टिंग की थी तो उनको म्यूजिक भी मेरा पसंद आया सो so, मैं उनकी फिल्म में भी काम कर रहा हूँ मिस तरंगपुर हाजिर हो आ रही है लाइफ इज कॉलिंग ड्रीम्स ओपन बॉलीवुड और बहुत सारी लाइन

क्या जानती है मैं यही जानती हूँ कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर्सनली मेरा जितना एक्सपीरियंस है मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे थे इंदौर से इंदौर से हाँ। तब सोचा था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत फ़ोन कॉल्स करने पड़ेंगे बहुत सारे ऑफिस में जाना पड़ेगा बट आई फील कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि इतनी जल्दी मुझे इतने सारे गाने गाने को मिल गए मैं सलमान सर से मिली सबसे पहले उन्होंने मुझे लापता गवा दिया देन आशिकी मुझे मिथुन सर जीत गांगुली जी और विशेषंश की तरफ से सो so, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें मेरे साथ हो गई सो so, मैं इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी आ, बहुत ही प्यार देने वाली इंडस्ट्री मानती हूँ। और वैसा ही पलाश के साथ हो रहा है वो हां एक्जेक्टली और वो उसे के পলাশ आल्सो हैज बीन टच वुड लकी इन दैट सेंस बिकॉज़ काफी फिल्में एक साथ मिल गई हैं एक्जेक्टली आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड क्योंकि hmm. सब कुछ अपने आप हो रहा है मैं कि, किसी के पास नहीं गया किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास नहीं गया आज तक और टुड ऐसे आगे भी हो exactly. know, uh, हम लोग ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ऑफिस पे गए बहुत hmm. चक्कर हमने लगाए आमतौर पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग है

ओ दैट्स फैंटास्टिक और पलक के गाये हुए गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है मेरी आशिकी फ्रॉम uh, आशिकिटो तो आपका फेवरेट है तो हमारा भी फेवरेट है हमारा फेवरेट है तो हमारे दर्शकों का भी फेवरेट है <laughs> हमारे दर्शकों का फेवरेट है तो आपको तो गाकर सुनाना पड़ेगा जा. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे मेरा तुझसे जुदा कर हो जाए खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चल भी मेरा दर्द भी मेरी आश अब तुम ही

तो वो टिप्स देते रहते थे तो आई थिंक वो बहुत हेल्प किया मेरे म्यूजिक कंपोजिंग में और प्रॉपर ऐसे कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया लेकिन आई थिंक आनंद जी अंकल के बहुत कुछ हाथ है इसमें जाते-जाते आपके डिस्क्यो का दूसरा गाना हो जाए तू ही है आशिकी तू ही आवारेगी तू ही है जिंदगी तू ही जुरा

तो दोस्तों ये थे पलक मुछाल और पलाश मुछाल जैसा मैंने पहले भी कहा पलक मुछाल इज ऑलरेडी इज ऑलरेडी अ बिग स्टार एंड पलाश मुछाल इज ऑन टू बिकमिंग अ बिग स्टार इज ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ बिकमिंग अ बिग स्टार इन द नेम ऑफ म्यूजिक कॉम्पोजिशन फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अज एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव पर यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल